झटपट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा साहू, आप सभी को नमस्कार। आइए अब देखते हैं कोरबा की खबरें। आज की हेडलाइन के प्रायोजक है पद्मिनी ज्वेलर्स कोरबा, जहां मिलेंगे आसान किस्तों पर स्वर्णाभूषण। लाइब्रेरी के डिजिटलाइजेशन पर कुलपति ने दिया जोर। स्वर्गीय इंदिरा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। आदर्शनीय महिला मंडल अध्यक्ष का स्वागत। नवाचारी शिक्षक महासंघ का विस्तार। आइए अब देखते हैं कोरबा जिले की प्रमुख खबरें फास्ट न्यूज पर। अटल बिहारी वाजपेयी बिलासपुर विश्वविद्यालय में विभिन्न महाविद्यालयों से आए ग्रंथपालों को कुलपति और कुल सचिव के साथ चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। चर्चा में कोरबा के कमला नेहरू महाविद्यालय में ग्रंथपाल डॉक्टर प्रशांत बोपापुरकर शामिल हुए। उन्होंने बताया कि कुलपति डॉक्टर संजय अलंग एवं संभागायुक्त बिलासपुर ने डिजिटल लाइब्रेरी, ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी पर ध्यान केंद्रित करने कहा है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रियदर्शनी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के दृढ़ निश्चय, साहसपूर्ण पहल और देश हित में सर्वोच्च त्याग एवं बलिदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जिला शहर अध्यक्ष सपना चौहान, सभापति श्याम सुंदर सोनी, संतोष राठौर, कुसुम द्विवेदी, एस मूर्ति, प्राणनाथ मिश्रा ने भी माल्यार्पण कर स्वर्गीय इंदिरा गांधी को नमन किया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के चेयरमैन सुब्रत साहू की धर्मपत्नी व आदर्शनी महिला मंडल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी रायपुर की अध्यक्ष श्रीमती राधा रानी साहू कोरबा प्रवास पर रही। उनके साथ श्रीमती ज्योति गौतम, श्रीमती कल्याणी बिजौरा भी कोरबा पहुंची। इन सभी के सम्मान में प्रेरणा महिला मंडल कोरबा पूर्व की अध्यक्षा श्रीमती निवेदिता बंजारा द्वारा समारोह का आयोजन सीनियर क्लब में किया गया। अतिथियों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना की व महिला मंडल के कार्यों को सराहा। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील एवं नवाचारी शिक्षक महासंघ की कोरबा जिला इकाई एवं ब्लॉक इकाइयों का गठन कर विस्तार किया गया है। डॉक्टर सुषमा पांडे को नवाचारी शैक्षणिक प्रकोष्ठ का कार्यकारी जिला संयोजक बनाया गया है। श्रीमती ममता चौहान, हेमंत शर्मा, सत्यप्रकाश मिश्रा, नरेंद्र प्रताप राठौर, ब्रिजकेश्वर सिंह कंवर, सुश्री आशा सिंह, सूर्यवंशी, जनीराम पटेल को भी दायित्व सौंपे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज। आप देख रहे हैं खटपट न्यूज।